अच्छा भाई मुझे एक बात बताएं बिफोर स्टार्टिंग दिस। अच्छा सर कुछ टिप्स बता दें, प्लीज पास कैसे करें इस पेपर को। मैं फिर कह रहा हूँ कि यार आपने इस पेपर को अगर पास करना है तो आप बस मेरे साथ में जो मैं चीजें बताऊंगा साथ साथ वो करते हैं, आप पास हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही है जी? इधर ओके जी, सुनिएगा इधर। अब मैं जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। वेरी पार्टिसिपेटिव सेशन दिस इज गोइंग टू बी। यानी तुम बताओ मुझे कि बुक स्टॉप पर बिल्कुल बुक अवेलेबल हो जाएगी 3 दिन में, ये मेरी कमिटमेंट है, 3 दिन में आपको बुक मिल जाएगी। सही है जी? अच्छा मुझे एक बात बताओ जल्दी, तेरे पास पैसा होगा तो तू क्या करेगा? मतलब मुझे पता है तू क्या करेगा, पर एक बिजनेसमैन बन के बता। वेरी गुड यार, इस बच्चे ने कहा कि मैं पैसे क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। यार ये ऐसी मरी हुई क्लास हो रही है, पैसे क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। चलें जी, जैसे ये पैसे वाला आदमी है, कह रहा भाई भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है शौहरत है। सही है जी? अब मस्ती है कि पैसा क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। अच्छा जी, जो बंदा इन्वेस्ट करता है उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉल इन्वेस्टर। सही है, तो हमें पता था भाई ये। अब देखो मैं अकाउंटिंग नहीं करवा रहा अभी, मैं वो सारी बातें कर रहा हूँ जो IFRS में लिखी हुई है। वंस वी आर डन विद जार्गन्स कि हमें किस चीज को सीखना है, फिर हम अकाउंटिंग सीखेंगे ना। यानी मैं आगे पहली क्लास में बोलूं चल भाई डेबिट और क्रेडिट शुरू हो जा, तू बोलेगा तो सही ना कि भाई यार किसकी अकाउंटिंग करना है सर, ये तो बताओ। तो हम क्या एक बात समझ आ रही है, इस IFRS में किसकी अकाउंटिंग सीखेंगे? कौन है ये? इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीखेंगे। सही है जी, आगे चलते हैं बहुत सुकून से, बहुत ही तामुल से, ताकि आप इसको एब्जॉर्ब करें। आगे जब मैं बोलूंगा तब लिखना है, ये लिखने की चीज नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ चीजें। आगे मैंने कहा अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो आपने सुना होगा कि शेयर्स खरीद सकता हूँ, है ऐसा? सोच रहा हूँ कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लें। चलिए जी, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूँ तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने से फायदा क्या होगा, जैसे पूछूंगा वो बताएगा, आप बताएं। जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल सही कह रही है, मेरी बहन। क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ओके, डिविडेंड के अलावा भी? अरे वो टैक्स पढ़ा है किसी ने? टैक्स पढ़ा है किसी ने? है ना, वो कोई गेन होता है, कैपिटल गेन। कौन सा गेन? कैपिटल गेन का मतलब ये है कि मैंने एक चीज खरीदी 20 की, वो 25 की हो गई। तो सर क्या आप ये मानते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने से दो गेन कमा सकता हूं, डिविडेंड साथ साथ डिविडेंड कैपिटल? ऐसा ही जी, अब बात सुनिएगा, बात सुनिएगा सर। मैं अभी तो ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो ये है कि बेसिक बेसिक समरी। इस IFRS में मैं इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीखूंगा, फिर क्या मैं कह सकता हूँ इस IFRS में मैं शेयर्स की अकाउंटिंग सीखूंगा? अभी तुम बातों बातों में कर रहा हूँ ना मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ डायरेक्ट आके थ्योरी शुरू कर दी, भाई लॉजिकली समझ रहे हैं। अच्छा फिर इस IFRS में मैं कैपिटल गेन की अकाउंटिंग सीखूंगा, फिर इस IFRS में डिविडेंड की अकाउंटिंग सीखूंगा। लिखो अपने पास, इस IFRS में पहले क्या लिखोगे? इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीखेंगे। यू बनाना, देखो इन्वेस्टर की अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के लिए क्या सीखेंगे? शेयर्स की अकाउंटिंग, फिर इन्वेस्टर के साथ शेयर्स के साथ इसके कितने गेन सीखेंगे? कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। मतलब मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसे फ्लो चार्ट बनाता ताकि मैं एक ही पेज पे रिवाइज करके आगे निकल जाऊं। सही है, इसको मैं मिटा रहा हूँ ये खाली आपको समझाने के लिए कि नोटिंग ऐसे करनी है। पिछली बार मैंने वर्कबुक दी थी उसके अंदर ये सारी चीजें चिपकाई हुई थी मैंने, पर मैंने बोला नहीं अब लिखवाते हैं इनसे। क्या कह रहे हैं? बुक इस बार नहीं, इस बार बुक है। सही है, ओके जी सुनिएगा भाई, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं। मैंने कहा कि भाई अभी तक जो तुमने सीखा है इसमें किस बंदे की अकाउंटिंग, वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा, कितनी चीजें कमाएगा, डिविडेंड। तो यानी सर सिंपल रखा मैंने, मैंने कहा इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीखूंगा पहली चीज, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा उसकी अकाउंटिंग सीखूंगा, और उससे आने वाले गेन्स की अकाउंटिंग सीखूंगा। ये अभी मैंने अभी समरी बताई है आपको। सही है जी, मैंने कहा तो फायदा क्या है? फायदा ये है कि पैसा ही पैसा होगा। सही है जी, 30 का खरीदा था कितने का हो गया शेयर?
इसको मैं कौन सा गेन कहता हूँ? कैपिटल गेन। वेरी गुड यार। अच्छा मैंने कहा जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे उसने क्या दे दिया? डिविडेंड दे दिया। मैंने कहा कि भाई अब हुआ ये कि सीखा, जो अभी हमने अभी इसकी समरी बनाई, हमने सीखा ये कि शेयर्स में इन्वेस्ट करने से कितने गेन कमाए जा सकते हैं। दो गेन, जिसको हम कह रहे हैं कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम। ऐसा ही है, हमने भी यही लिखा। सही है जी, अब ये बात दिमाग में फिक्स हो गई है। बट ये ऑल वे अराउंड भी हो सकता है। हो सकता है कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट करूं वो लॉस में चली जाए। यानी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने अगर एक शेयर 30 का खरीदा तो वो 22 का हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा मुझे? तो सर टेक्निकली मुझे लॉस की अकाउंटिंग भी सीखनी होगी। तो फिर जो कैपिटल गेन लिखा है ना स्लैश लॉस भी कर दो उसको। ऐसे समरी बनती जाएगी, आप खुद बनाएंगे, आपको याद भी हो जाएगी। अभी आएंगे नवीद खान, अभी आ रहे हैं उसके ऊपर, ओले ओले आराम से। सही है जी। अच्छा भाई, यानी लॉस की अकाउंटिंग भी सीखनी है हमें इसमें। अच्छा भाई, शेयर्स में इन्वेस्ट करने पे रिस्क है। अच्छा भाई, रिस्क क्या है? शेयर प्राइस नीचे आ गई तो लग गए, 30 पर शेयर एक शेयर खरीदा था और अब शेयर कितने का हो गया जाने? 18 का। तो रिस्क है क्या होने का? लॉस होने का। एक और रिस्क है कि जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया है हो सकता है वो डिविडेंड। अब आप FAR1 में इतना जलील हो के आए हो मेरे से, तो आपको पता होगा एक बच्चे ने मुझसे FAR1 में तो डिविडेंड नहीं दे तो क्या करेंगे भाई? नहीं दे, उसकी मर्जी है। क्योंकि उसकी इंटेंशन होती है कि उसको अपना पैसा री इन्वेस्ट करना होता है अपने बिजनेस में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो कंपनी डिविडेंड? तो टेक्निकली मैं अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं कहीं पैसे डालने से पहले आपने रेशियो सीखे होंगे। आज मैं आपको लिंकेज के साथ बताऊंगा, क्योंकि अब वो मकाम आ चुका है कि अब आप इस चीज को सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ ना, तो मैं उसकी डिविडेंड कैपेसिटी देखता हूँ। क्या देखता हूँ? इसको हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड। एक फॉर्मूला था अजीब सा, तुम्हें याद आ रहा होगा। सही है जी। क्या अब वो है? अच्छा मैं क्या देखता हूँ? डिविडेंड यील्ड कितनी है उसकी। डिविडेंड यील्ड का मतलब क्या है कि वो कमाती कितना है और डिस्ट्रीब्यूट कितना करती है, साथ साथ कमाती कितना है। तो दैट मींस कि इन्वेस्टर को एक रिस्क लगा रहता है कि क्या मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं या ना करूं। और फिर मैं क्या देखता हूं? उसके पास हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखता हूं कि कितनी प्राइस इसकी ऊपर गई है, कितनी प्राइस इसकी, और जिसकी प्राइस ऊपर ही ऊपर गई मैं बोलता हूं डाल दे इसमें पैसे। सही है। तो दैट मींस कि एक रिस्क होता है कि या तो डिविडेंड ना मिले या तो प्राइस क्या हो जाए, नीचे आ जाए। अच्छा फिर अगर जैसे मुझ जैसा कोई गरीब बंदा है, सही है जी, तो मुझ जैसे गरीब बंदे के लिए शेयर्स में इन्वेस्ट करना फजूल है। शेयर्स में इन्वेस्ट करना फजूल है क्योंकि मुझे ये रिस्क लगा रहेगा कि मुझे लॉस ना हो जाए। हो सकता है जो मेरे पैसे फंसे हुए हैं वो मुझे डिविडेंड की फॉर्म में भी ना मिले। तो भाई फिर इसके लिए हम डर गए। सही है जी। तो जब हम डर गए तो मुझे एक बात पता है, सुनिएगा, हम डर गए तो मुझे एक बात पता है कि इसका कोई रास्ता होगा। ठीक है, वो पूछ भी रहे तेरे पास कोई रास्ता है? अच्छा जी, रास्ता एक ये है, समझिएगा मेरी बात, सुने। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं बैंक में पैसे डालूं और बैंक को ये बोलूं कि आज मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूं, तुम मुझे सूद के साथ ये वापस दे देना। यानी मेरा प्रिंसिपल भी मुझे वापस मिलेगा और मेरा इंटरेस्ट भी मुझे। अच्छा, तो यानी आप ये सर कह रहे हैं कि आप शेयर्स में के अलावा भी कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी वो सीखते हैं, पर पहले बिल्कुल सुकून से समझना है। अब तक क्या सीखा जल्दी बताओ, कहाँ किसकी अकाउंटिंग? बंदा इन्वेस्टर की अकाउंटिंग। मैंने कहा इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करेगा? अगर तो करेगा। सही है जी। अच्छा, शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा। शेयर्स में कितनी पॉसिबिलिटीज? दो। गेन कितने? कैपिटल गेन, लॉस भी हो सकता है। सही है जी। तो वो डिविडेंड जो कैपिटल गेन है उसके साथ लॉस भी लिख दिया था। मैंने कहा ये, फिर मैंने कहा कि एक तो शेयर्स की अकाउंटिंग हुई ना, अब कहानी कहीं और जा रही है। यानी ये बंदा कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकता है, वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकता है वो देखते हैं। अच्छा जी भाई, रास्ता ये है, समझिएगा बहुत सुकून से। अभी सारा सिर्फ मुझे देखो, फोकस करो मेरे पे, इधर नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं चला रहा यहाँ पे, तो सुनो। मैंने ये कहा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं किसी कंपनी को, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं कंपनी, मुझे पैसे चाहिए, मैं लोगों को ये कहूँ कि यार मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, मुझे तुम पैसे दो। सामने वाले कह रहा है भाई मैं तुम्हें पैसे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे डर लगता है कि तुम्हारी वैल्यू नीचे ना आ जाए। बात समझिएगा, मैं अभी इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं वो कंपनी हूँ जिसको पैसे चाहिए, जिसको पैसे चाहिए। अच्छा, मुझे पैसे चाहिए, मैं शेयर्स लेके घूमा, शेयर्स ले लो। सामने वाला बोलता भाई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? रिस्क है। किसको रिस्क है?
इन्वेस्टर को, वेरी गुड। अब लाइन पे आओ, किसको रिस्क है? इन्वेस्टर को रिस्क है कि इस बंदे को जो शेयर इशू कर रहा है इसको पैसे दे दूं और इसकी कंपनी डूब जाए तो मेरे लग जाएंगे। बात समझ आई? अच्छा, तो फिर कल क्या समझिएगा? फिर मैंने एक स्कीम निकाली, मैंने ये बोला कि भाई एक काम करो, मैं तुम्हें कागज के पन्ने पे लिख के देता हूं कि तुम मुझे उधार दे रहे हो। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डेट। क्या कहते हैं? डेट। वेरी गुड। अब इसको हम जार्गन के जरिए लेके आ रहे हैं यहाँ पे, हम इसको क्या कहते हैं? डेट। अच्छा भाई, सामने वाले बंदे को मैं कह रहा हूँ कि भाई तू मुझे पैसे दे, तो बोल रहा है पहले भी तुम पैसे मांग रहे थे, अब भी मांग रहे हो, चाह क्या रहे हो? भाई मैंने कहा पहले तुझे पैसे के अगेंस्ट में मैं शेयर दे रहा था, अब मैं तुम्हें पैसे के अगेंस्ट डेट इंस्ट्रूमेंट दूंगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? डेट इंस्ट्रूमेंट। सर यार ये वाली बात नहीं समझ आई, एक बार रिपीट करें, सुने दिमाग को चलाया ना, सोचे तो सही, रटा तो नहीं लगाएंगे। अब तुम मुझे बताओ यार, मैं आगे जाके ये जार्गन यूज करता, तुम बोलते पता नहीं क्या बोल रहे हैं। समझे तो सही, क्रक्स क्या है सारे फायदे समझो। मैंने कहा मैंने कागज, अच्छा देखो जब फॉर एग्जांपल कोई मुझे शेयर्स के लिए पैसे देगा तो मैं शेयर्स पे लिख के देता हूँ ना कि मिस्टर एक्स वाई जी ने 10,000 शेयर खरीदे और एक शेयर 10 रुपए का है। ये उसके पास सबूत होता है कि उसने मेरी कंपनी में क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ। किस मत में किया हुआ? शेयर्स की मत में किया हुआ। दूसरी चीज सुनो, मैंने क्या कहा उसको, मैंने कहा भाई तुझे डर लगता है ना कि तेरे पैसे डूब जाएंगे, तू एक काम कर, मैं तेरे को कागज के पन्ने पे लिख के देता हूँ कि मिस्टर आकाश ने मुझे कोई 1,000,000 रुपीज दिए हैं डेट की मद में, सही है जी, जिसके ऊपर मैं सूद दूंगा 10% का। तो ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है। तो पहले वाले इंस्ट्रूमेंट में, इस वाले इंस्ट्रूमेंट में क्या फर्क है? नहीं, वो एक्विटी इंस्ट्रूमेंट था, साथ साथ वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? एक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा? तो इसलिए जो आप बातें कर रहे हैं इक्विटी डेट, ये IFRS में लिखी हुई है, तभी तो कहानी में बता रहा हूँ, ये कहानियां बना के बता रहा हूँ कि भाई ये अल्फाज यूज होंगे आगे, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ कि जब मैं आपको रीड कराऊंगा IFRS की आपकी बुक, तो मैं रीड करूंगा आपको खुद समझ आएगा, सही है? बहुत सुकून से सुनो। अच्छा भाई, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या इन्वेस्टर लाजमी है इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे? कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है? डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, वो कौन सी सिक्योरिटी में और इन्वेस्ट कर सकता है? डेट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है। तो सर क्या हम ये लिख सकते हैं अपने पास कि मुझे इन्वेस्टर के लिए दूसरी अकाउंटिंग जो सीखनी है, डेट सिक्योरिटी की सीखनी है? लिखो, अच्छा सर टेक्निकली मुझे लग रहा है आप यूं लिख रहे हैं ना, हमने यहाँ पे इन्वेस्टर की हेडिंग डाली हुई है और इसके दो हिस्से बना दिए हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे इक्विटी सिक्योरिटी / शेयर्स और यहाँ पे डेट सिक्योरिटी। सर आप डायरेक्ट ही बोल देते, यहाँ से शुरू करते हैं भाई, नहीं आती ना बात समझ। अब बात समझ आ रही है कि मैं इन्वेस्टर के लिए कितनी चीजों की अकाउंटिंग सीखूंगा। देखो इस IFRS 9 ने किया गया, IFRS 9 को ये पता था कि कोई भी बंदा दो जगह इन्वेस्ट करेगा, कितनी जगहों पे? या तो अच्छा वो डेट की तरफ कब जाएगा? जब उसको रिस्क होगा कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। अच्छा फिर ये भी तो हो सकता है ना कि वो पैसे ही ना दे डेट सिक्योरिटी, इसके पीछे बैकिंग होती है कि वो बोलता ही है कि भाई जब डेट सिक्योरिटी इशू होती है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, वो अपनी चीजें मॉर्गेज करवा देता है, कोलेटरल रखवा देता है ताकि इसके पैसे ना डूबे। तो क्या व्हाटसोएवर द केस इज, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? हमें इस IFRS के अंदर इन्वेस्टर की दो चीजों की अकाउंटिंग सीखनी है, अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करे, अगर वो किसी को उधार दे, तो उसको IFRS की जबान में क्या कहूंगा? अगर वो कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करे? इक्विटी सिक्योरिटीज में। या तो वो कौन सी सिक्योरिटी में? डेट सिक्योरिटीज में। बात क्लियर है? पक्की बात है? चलिए जी हम इसको मिटा देते हैं, अब इसको आगे लेके चलते हैं कहानी को। अच्छा जी भाई आगे रास्ता ये है कि आप हमें शेयर्स के नाम पे पैसे नहीं दें, आप हमें उधार देते हैं, बोले तो डेट। ये कंपनी कह रही है किसको? इन्वेस्टर को, जो मैंने अभी तुम्हें एग्जांपल दी। अच्छा भाई अब देखें, एक सिंपल सी वो है इलस्ट्रेशन तुम्हें बताने के लिए, भाई हमने एक बाल्टी भर के पैसे उसको चिपका दिए, ये कौन सी अमाउंट है? ये आपने याद रखनी है, आगे जाके सारी चीजें यूज होनी है, सही जी। ये नॉर्मल अकाउंटिंग नहीं है जो अपने बचपन में देखते हैं QT में, ये वो नहीं है, ये अलग ही लेवल है, अभी देखते हैं आगे जाके। अच्छा जी ये प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट मैंने उठा के कंपनी को दे दी, अब क्या कंपनी यही बाल्टी देगी या एक से ज्यादा? क्यों ज्यादा?
तो मैं यही बोलूंगा कि क्या मतलब कोई मैंने फलाओ खुद को काम किया जो तेरे को पैसे दिए वही वापस चिपका रहा है। मेरा मकसद क्या था? कमाना। मेरा मकसद क्या था? कमाना। तो अब एक बात समझे, अब मैं एक और चीज को चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। जब जब उर्दू की बात करूंगा तो उसमें जार्गन ऐड करता रहूंगा। क्या मैं कह सकता हूँ एवरी इन्वेस्टर इन्वेस्ट फॉर रिटर्न? हाँ वापस सुनो, एवरी इन्वेस्टर इन्वेस्ट फॉर रिटर्न। अच्छा वो सवाल में रिक्वायरमेंट मांगता है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब बच्चा डिविडेंड इनकम निकाल के लेके आ जाता है तो क्या कैपिटल गेन रिटर्न नहीं है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बात समझनी है। अच्छा जी, व्हाटसोएवर द केसेस, क्या मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग रिटर्न? एक्विटी सिक्योरिटीज में रिटर्न कितने? पहला कैपिटल गेन और डिविडेंड। अच्छा डेट सिक्योरिटीज में रिटर्न कितने? एक अभी तक। क्या आपकी सोच से परे वो चीज के मैं आगे जाके बताऊंगा, डेट सिक्योरिटीज में भी एक से ज्यादा रिटर्न होते हैं, वो आगे जाके समझाऊंगा। डेट सिक्योरिटीज में भी एक से ज्यादा रिटर्न आगे जाके सिखाऊंगा। सही, इसकी एक एग्जांपल दे देता हूँ ताकि तुम दिमाग में ये गन लेके नहीं आगे जाओ। क्या ऐसा हो सकता है आज मैं उसको बोलूं कि तू 1,000,000 ले, सही है जी, मुझे इंटरेस्ट तो देना ही देना, साथ साथ जब पैसे वापस करो तो 1,000,000 नहीं लूंगा, प्रीमियम पे रिटर्न करूंगा, यानी 1,000,000 नहीं यानी 1.1 मिलियन लूंगा। तो क्या ये रिटर्न सिर्फ इंटरेस्ट की हद तक है या प्रीमियम भी है? वो प्रीमियम जो मैंने उसको दिया है मुझे मिलेगा, मुझे मिलेगा। यानी एक बात समझा रहा हूँ कि आगे जाके ये प्योर बेसिक एग्जांपल्स हैं जो तुमने अब तक FAR 1 लेवल पे अकाउंटिंग की है सिवाय कैश फ्लो के, और तुम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह लो या गवर्नमेंट ग्रांट कह लो, बाकी सारी कचरा अकाउंटिंग थी, कचरा अकाउंटिंग यूजलेस। क्योंकि अब जो तुम सीखोगे वो प्रैक्टिकल लाइफ की चीज है। मैं कह रहा हूँ वहां पे कुछ स्टैंडर्ड्स थे जो प्रैक्टिकली अप्लाई होंगे, अब जो सीखोगे वो सारे के सारे क्या है? प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स हैं। सही है जी, आगे सुनिएगा। अब सुनते हैं सर, यानी सर अब जो मुझे पैसे मिलेंगे वो इंटरेस्ट के साथ मिलेंगे। अच्छा जी, तो सर हमने यहाँ पे एक चीज सीखी कि पैसे वापस मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ। तो सर अब होल एंड सोल मैंने एक बात कही जो मैं आगे जाके प्रेजेंट भी करूंगा कि भाई इन्वेस्टर दो तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा, या तो एक्विटी सिक्योरिटी, मुझे अकाउंटिंग दोनों की सीखनी है। पर मैंने कहा दोनों की अकाउंटिंग में मैंने उनके रिटर्न्स की अकाउंटिंग भी करनी, एक में इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करूंगा, दूसरे में कैपिटल गेन और डिविडेंड। क्या मैंने अभी अकाउंटिंग सिखाई? नो सर, मैंने बिल्कुल नहीं सिखाई, सिखाता समझ भी नहीं आती जब तक कि जायदाद नहीं पता होते। आगे सुनिएगा, एक बच्चा कह रहा है सर उस्ताद डेट पे प्रीमियम का समझा दें। सुने, मैंने अगर हसान आपको आज 100 रुपए दिए और मैं आपको बोलूं कि आप मुझे इस पे 3 साल तक 10% का सूद देना, तो कितने दोगे? 30 रुपए इंटरेस्ट के नाम पे। टोटल आपकी तरफ से मुझे कितने मिलने चाहिए? 130। मैं कह रहा हूं मुझे 130 नहीं चाहिए, जो 100 रुपए दिए थे ना इसको जब पैसे वापस कर रहे होगे तो 10 रुपए ज्यादा वापस करना। तो ये क्या है? प्रीमियम, यानी रिटर्न पे एडिशनल प्रीमियम है इंटरेस्ट के अलावा। बात क्लियर है आसान? जल्दी बताओ, अभी अकाउंटिंग नहीं सिखाई मैंने, हम सिर्फ अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि आगे जाके कंफ्यूजन नहीं हो। सही है, ओके आगे। अच्छा भाई, अब डेट के अगेंस्ट में कंपनी जो कागज का पन्ना इशू करती है उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिबेंचर, बॉन्ड्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट और रिडीमेबल प्रेफरेंशियल। आज एक टेस्ट भी लूंगा मैं तुम्हारा बना के लाया हूँ, साथ साथ सुनिएगा वापस से। अच्छा मास कह रहे हैं सर कैपिटल गेन रिपीट करते, यानी कैपिटल गेन का मतलब ये कि 20 रुपए की चीज खरीदी और वो 25 रुपए का शेयर हो गया, तो 5 रुपए का क्या है? कैपिटल गेन, यानी मैंने जो कैपिटल लगाया था वो महंगा हो गया तो मुझे फायदा हो गया। अच्छा सुनिएगा फोकस के साथ, मैंने यहाँ पे सुनिएगा, मैंने यहाँ पे ये किया कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लोगों से पैसे ले रहा हूँ और उनको अपने शेयर्स नहीं दे रहा तो कोई ना कोई तो सिक्योरिटी देनी होगी ना। अब उस सिक्योरिटी के ऊपर उसके कुछ भी नाम लिख दो, आप उसको बॉन्ड का नाम भी दे सकते हो। एक बच्चा पीछे सोच रहा है कि तो वो वाला बॉन्ड है ना जो अम्मी ने खरीद के रखे हैं, मैं रोज देखती हैं पर्ची में कि लगा या नहीं लगा, ये वो वाला नहीं है, ये प्राइस बॉन्ड नहीं है, ये कंपनी के इशू करदा बॉन्ड्स हैं जो के उधार की मद में लिए जाते हैं। किस मद में? अच्छा तो मैं ऐसी एंट्री बता रहा हूँ आपको ना ताकि कंफ्यूजन दूर हो, आहिस्ता आहिस्ता वहां पर लेके जाऊंगा। कंपनी जो पैसे ले रही है वो एंट्री क्या बनाएगी? कैश डेबिट, बॉन्ड पेएबल क्रेडिट, या डिबेंचर पेएबल क्रेडिट, या TFC क्रेडिट, या तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्रेडिट। यानी आपकी लायबिलिटी है, उस लायबिलिटी का नाम कुछ भी दे दो, उस लायबिलिटी का नाम। पर आपने ये चीज याद रखनी है कि जो आपने लोगों से पैसे लिए हैं वो किस मद में लिए हैं? डेट की मद में। किसकी मद में? अच्छा मैं शेयर इशू करता तो क्या एंट्री बनाता?
कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, क्योंकि वो सिक्योरिटी कौन सी इशू की थी? इक्विटी सिक्योरिटी। अब साथ साथ तुम मुझे बताओगे, शेयर इशू करूंगा तो कौन सी सिक्योरिटी है? इक्विटी सिक्योरिटी। तो क्रेडिट भी क्या करूंगा? शेयर कैपिटल। अच्छा मैंने कहा अगर मैंने डेट सिक्योरिटी इशू की तो क्रेडिट भी क्या करूंगा? इक्विटी या लायबिलिटी? तो लायबिलिटी के लिए नाम हो सकते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा एक आपके लिए मैंने यहाँ पे ये बताया कि एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं टेक्निकली, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लिखा हुआ होता है? इतने पैसे दिए, इतने परसेंट इंटरेस्ट पे दिए, इतने टाइम के लिए दिए। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं, इस तरीके का होता है कि भाई ये कंपनी का नाम आ रहा है, डिबेंचर सर्टिफिकेट है। अच्छा शेयर होगा तो ऊपर क्या लिखा होगा? साथ साथ बोलना, शेयर होगा तो क्या लिखा होगा? शेयर सर्टिफिकेट। इसमें क्या लिखा हुआ है? ये एक सबूत है कि सामने वाले ने आपको पैसे दिए। अब या वो इक्विटी के मद में दिए, पर दोनों की अकाउंटिंग सेम होगी, अलग होगी? हमें भी तो ये सीखना है, इसलिए कौन सा IFRS बनाया? IFRS 9। वेरी गुड यार, यहाँ तक क्लियर? पक्की बात है, ओके आगे लेके चलते हैं। एविडेंस दैट द डिबेंचर हैव बीन इश्यूड एट अमाउंट रिटर्न एंड टेन्योर। ओके जी आगे। अच्छा भाई अब ओवरऑल इन्वेस्टर की बात करने लगा हूं मैं। इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी और, ये समरी है कि आपको पूरी की पूरी स्लाइड में ऐसे ही दे दूंगा, सही है जी। आगे ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है इक्विटी और डेट सिक्योरिटी में। आगे सुनिएगा, अब वो टाइम आ गया है कि मैं अब IFRS 9 को एक्चुअल में शुरू करता हूँ। वो सारे जार्गन बताने के बाद इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा तो IFRS 9 उसको कहता है अपनी जबान में शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। डेट सिक्योरिटी को वो कहता है राइट टू रिसीव कैश। अच्छा आप सुनो, ये क्यों सर आप इतना डिटेल में करा रहे हैं? MCQs आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं? MCQs में आ जाए कि इन IFRS फॉर इन्वेस्टर व्हाट डज इक्विटी सिक्योरिटीज एक्चुअली मींस डैश, नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, तो क्या होगा वो? शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। मतलब ये वो सारी चीजें हैं जो हम कवर कर रहे हैं ताकि आपको एडिशनल मेहनत ना करनी पड़े। आगे सुनिएगा। अच्छा फिर इसके बाद सुनिएगा, इस चीज को IFRS कहता है, क्या कहलाता है ये? मैं अभी कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, मैंने आपको IFRS 9 की डेफिनेशन भी नहीं बताई है, इसकी अगली स्लाइड डेफिनेशन की और वो आपको यूं समझ आएगी, देखना समझिएगा। अभी वो उस पे लेके जा रहा हूँ, सुने। फाइनेंशियल एसेट में एक और चीज आती है कैश। अच्छा आज के बाद मैं आपको पूछूं IFRS 9 फाइनेंशियल एसेट किसको कहता है? शेयर तो बनाता है कंपनी को, राइट टू रिसीव कैश को और कैश को। अच्छा तो क्या मैं कह सकता हूँ ऐसे समझाने के लिए कि IFRS 9 बनाया गया है फाइनेंशियल एसेट्स के लिए? IFRS 9 किसके लिए बनाया गया है? तो IAS 16 भी तो एसेट के लिए है। हाँ ये बोला ना, कि कौन से एसेट के लिए वो? पर इसको थोड़ा सही करो, नॉन करंट एसेट में ये भी आते हैं। नॉन करंट एसेट टेंजिबल एसेट्स के लिए है। नहीं बात आई समझ? थोड़ा से कंफ्यूज हो, सुनो मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल एसेट और नॉर्मल एसेट में फर्क है। फाइनेंशियल एसेट नॉर्मल एसेट में फर्क है, वो भी नॉन करंट एसेट है। अम्मी की कसम तुमने अभी उसमें देखा था, कोर्स ग्रेड में नॉन करंट एसेट लिखा हुआ था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि दिस इज नॉन करंट एसेट, जवाब गलत हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ नॉन करंट एसेट में वो नॉन करंट एसेट ऐसा है जो कि टेंजिबल है, वो फाइनेंशियल नहीं है। ये फाइनेंशियल का मतलब क्या? पैसा, पैसा, शेयर्स भी पैसा ही है ना, और राइट टू रिसीव कैश भी, और कैश टू इटसेल्फ पैसा ही है। तो बात समझ आई, IFRS 9 कौन से एसेट्स के लिए बनाया गया है? अभी मैं शुरू करता ना फाइनेंशियल एसेट से, तुम मुंह देखते मेरा क्या ही है, तो बात समझ आई IFRS 9 किसके लिए बनाया गया है? अच्छा यानी 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 हम अभी इसको सम करें, क्या मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट्स, इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल एसेट। यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात है, वेरी गुड, आगे सुने। अच्छा यानी हम सिंपल लगते हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है दो सिक्योरिटीज में, इक्विटी सिक्योरिटी, इसको मैं अगर समरी दूं तो इसको हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल एसेट। वेरी गुड, आगे मैंने कहा कि सर एज पर IFRS 9 जो हमने कह दिया, अभी इसको हम हटा देते हैं, हमारा काम हो गया इसका। अच्छा सेम चीज, जब एक बंदा दो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है तो क्या मैं कह सकता हूं दूसरा बंदा दो सिक्योरिटी इशू करेगा, इक्विटी या डेट? सर ये वाली बात तो कंफ्यूजन होगी, वापस सुने।
भाई मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं बोल रहा हूँ या तो शेयर्स के लिए पैसे ले लो या तो डेट के लिए, तो सामने वाला क्या बोलेगा? या तो शेयर्स के लिए पैसे दे दो या डेट के लिए पैसे दे दो। तो क्या मैं कह सकता हूँ सर, अब आप एक ना गेम कर रहे हैं हमारे साथ। पहले आपने कहा इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीखेंगे, अब किसकी अकाउंटिंग सीखेंगे? इश्यूअर की। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस IFRS में इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीखनी है, कितनी सिक्योरिटीज की? फिर इश्यूअर की अकाउंटिंग सीखनी है, कितनी सिक्योरिटीज की? जैसे एक बंदा दो में इन्वेस्ट करेगा तो दूसरा बंदा दो इशू करेगा, इसकी भी अकाउंटिंग सीखेंगे। क्योंकि आप जब किसी कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो उस ऑडिट के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगी, तो उसकी अकाउंटिंग इन्वेस्टर की होगी। अगर उसने कुछ इशू किया हुआ होगा तो फिर इशूअर की अकाउंटिंग होगी। तो हमें दोनों आने चाहिए, सिर्फ एक आने चाहिए? दोनों आने चाहिए। बात समझ आई? अच्छा जी आगे। तो सर क्या हम कह सकते हैं कि इशूअर जो है हमारा, इसको हम अभी समराइज करते हैं, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा इक्विटी सिक्योरिटीज में तो उसको हम कहते हैं शेयर्स ऑफ, जब ये इशू करता है तो उसको हम कहते हैं इक्विटी इशुएंस। अच्छा जी डेट सिक्योरिटी, जब ये डेट सिक्योरिटी परचेज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसने पैसे दिए, इसका हक है पैसे रिसीव करने का, और सामने वाले के लिए क्या है? ऑब्लिगेशन टू पे। अच्छा अब मैं क्या कह सकता हूं कि जब भी ऑब्लिगेशन टू पे का मतलब आएगा तो उसको हम कहते हैं कौन सी लाइबिलिटी? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी? फाइनेंशियल लाइबिलिटी। यहां तक क्लियर हो? अब मैं फाइनली आपको IFRS 9 की डेफिनेशन रीड करा रहा हूं, और जिससे पूछूंगा ऑनलाइन वालों बिल्कुल 100% अटेंटिव रहना, तुम भी इधर देखो। अब शुरू हो रहा है IFRS 9। डेफिनेशन क्या है? नहीं समझ आया तो तुम बोलना। इधर देखो, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अगर मैंने कर लिया तो राइज देगा किस चीज को? और नहीं, ये बात समझ, ये पहली लाइन है IFRS 9 की, शुरू यहां से होता है IFRS 9 वापस से। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं एंटर हो गया तो इससे रिजल्टिंग चीज क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट मिलेगा किसको? एक पार्टी को। अगर तूने मुझे ये बता दिया कि वो एक पार्टी कौन है? वेरी गुड इन्वेस्टर है। बात समझ आई? देखो यहां से शुरू होता है IFRS 9, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच गिव राइज टू फाइनेंशियल एसेट फॉर। अब मुझे पता है ना पीछे बैकएंड पे कि फाइनेंशियल एसेट में क्या क्या आता है? एक्विटी सिक्योरिटीज और IFRS 9 के हिसाब से देखो तो इसके अंदर आता है शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, राइट टू रिसीव कैश और सेल कैश। बात क्लियर है? वेरी गुड। आगे सुनो, आगे सुनो। दूसरा दूसरा अब रिक्वेस्ट है मेरी, पीछे का भूल जाओ, एंड के बाद रीड करो। एंड के बाद मैं जो IFRS में खुद भी रीड करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, फाइनल में भी तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। सुनो एंड के आगे क्या लिखा हुआ? एन एक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी फॉर, ये अनदर पार्टी में समझ आ रही है? इशूअर, पक्की बात है? तो उसके लिए एक्विटी भी हो सकती है जब वो क्या इशू करे? शेयर इशू करे, तो उसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी कब होगी? जब वो डेट सिक्योरिटी इशू करे। पहले बताओ यहां तक क्लियर हो गए? पक्की बात है? डेफिनेशन आसान है, पीछे लॉजिक क्लियर है, जार्गन्स पता है, आगे चल सकते हैं। आ जाओ जी। अच्छा भाई अब इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ने अगर इन्वेस्टमेंट की है, चाहे शेयर्स में की हो या डेट सिक्योरिटी में की हो, इस इन्वेस्टमेंट को कहूंगा शेयर्स ऑफ या राइट टू रिसीव। मैं अभी भी कसम खा रहा हूं तुम्हें, बिल्कुल हिलना नहीं है कॉन्सेप्ट से। मैंने अभी कोई अकाउंटिंग नहीं सिखाई, मैंने अभी सिर्फ बताया। देखो यार, अगर मैं पहले दिन आके बोलूं चलो आओ भाई बिस्मिल्लाह करते हैं, ये लो नंबर ऑफ शेयर्स, ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहे, तो बोलोगे आ तो रहे हैं पर सीख क्या रहा है? ये सीखना है। तुम्हारे पास एक फ्रेमवर्क है, हाँ भाई मुझे पता है इसमें दो लोगों की अकाउंटिंग है और दो इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग है। कितने लोगों की? और इंस्ट्रूमेंट भी दो। ये बात हमें फ्रेमवर्क पहले क्लियर होना चाहिए। अच्छा जी, इसको मैं क्या कहता हूँ? इक्विटी सिक्योरिटीज और डेट सिक्योरिटी। अच्छा, डिबेंचर लोन बॉन्ड्स ये सारी चीजें। इशूअर अगर इशू करेगा तो इसको क्या कहता हूँ? और ये डिबेंचर पेएबल, ये कौन सी सिक्योरिटी? डेट सिक्योरिटी। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा जी, यानी हम क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं ऑनलाइन वालों, तुम सब पीछे पूछ रहा हूँ, इतनी सी भी कंफ्यूजन है हाथ क्या पूछो, कोई जब्त नहीं है पूछने पे, कुछ भी पूछ सकते हो इससे रिलेटेड। सही है जी, पूछो जी। सचिन क्लियर है? जानी जानी सबको क्लियर है? आप सबको पक्का? ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो क्लियर है? ओके क्रिस्टल क्लियर है, वेरी गुड भाई। ओके जी आगे, अब हमने ये उठा के अलग कर दिया, ये तो हमारे पास समरी आ गई। अब एक टेस्ट है आपका,
मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऑनलाइन अगर तुम बता सकते हो, यानी तुम बताओ क्या ये प्रीपेड रेंट एक एसेट है? सुकून इसको बताने दो, इसको बताने दो, सुकून मुझे सोचने दो उसको, तुम भी अपना सोचो ना। एसेट है। अगला सवाल, क्या फाइनेंशियल एसेट है? ऐसा सवाल, क्योंकि देखो एक FAR 2 में ऑडिट में एक दिमाग चलता है, लगते हैं सवाल जो पढ़ाता हूँ, तो ये नई चीज करा रहा हूँ, आज तक पेपर में नहीं आई है। सुनो, प्रीपेड रेंट तुम कह रहे हो एसेट है, दूसरा सवाल फाइनेंशियल एसेट है? फाइनेंशियल एसेट। आपका जवाब मैंने लॉक कर दिया है, फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट है। रीजन रीजन क्यों नहीं है? ये एक्सपेंस आउट होता रहेगा, ओवर द पीरियड एक्सपेंस आउट होगा। तो क्या देखो, फाइनेंशियल एसेट होने के लिए या तो शेयर और अदर कंपनी में चाहिए। क्या प्रीपेड रेंट राइट टू रिसीव कैश है? राइट टू रिसीव कैश नहीं है। सुनो, अब ये प्रीपेड रेंट बच्चों राइट टू रिसीव कैश अगर नहीं है तो ये एक ऐसा एसेट है जो सब्सिक्वेंटली एक्सपेंस बनेगा। ये पैसे मुझे इससे नहीं मिलेंगे, तो ये मेरा फाइनेंशियल एसेट। तो क्या मैं कहूँ एसेट नहीं है? एसेट है लेकिन फाइनेंशियल एसेट नहीं है। बात क्लियर है? तो सर हमने यहाँ पे कहा कि ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन फ्यूचर। बात क्लियर है? देखो ये बारीकियां हैं, मैं अल्लाह की कसम का अकाउंटिंग सिखा दूं ना और उसने ये टेक्निकलिटीज पूछी तो गया तुम्हारा पेपर। सही है, वो आराम से 5 नंबर का सवाल बनाए और बोले बताओ इसमें कौन कौन से एसेट्स। मैं एग्जामिनर हूं तो मैं ऐसा सवाल बनाऊं कि फाइनेंशियल एसेट है ये नहीं पूछूं, मैं बोलूं बता ये एसेट से कौन से आईएएस में जाएंगे, वहां तुम्हें लग पता जाएगा। सही है जी, तो ये इस पे काम कराऊंगा मैं पूरे कोर्स में, ये मेरा वादा है। आगे सुनो, पहला क्लियर है? चलें जी अगला, जिससे पूछूंगा वो सचिन जानी, ये बता दे कि ये अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी होती है? अब छोटी चरस अनअर्न्ड इनकम लायबिलिटी होती है? नहीं होती, अल्लाह की कसम यार, ये तो कॉन्सेप्ट ही कौन है लायबिलिटी। देखो एक एक सवाल का जवाब दो, लायबिलिटी है, सब मानते हो लायबिलिटी है। अच्छा जी, अब आप बताएं मेरी बहन की, अगर ये लायबिलिटी है तो क्या दिस इज फाइनेंशियल लायबिलिटी? प्लीज सोच के बताना। नो, व्हाई? वेरी गुड, यार ऑब्लिगेशन टू पे। अच्छा, ऑब्लिगेशन टू पे कैसे नहीं है? अब आपने ऊपर से देख के कॉपी तो कर लिया। ऑब्लिगेशन टू बी बेटा इसलिए नहीं है क्योंकि सब्सिक्वेंटली इनकम में कन्वर्ट होगा, इसके पैसे ऑलरेडी आ चुके हैं और ये हमने पे, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये ऐसी लायबिलिटी है जो सब्सिक्वेंटली इनकम में कन्वर्ट होगी, ना कि इसके हमें पैसे पे करने हैं क्योंकि हमने ये पैसे ले लिए, अब तक हमने सर्विसेस नहीं दी है। पहले बताओ क्या ये बात क्लियर है? पक्की बात है? तो सर हम ये कहते हैं कि भाई इस फाइनेंशियल लायबिलिटी के टेस्ट में ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है क्योंकि देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश। चलो जी इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ट्रेड पेबल लायबिलिटी है? हाँ जी लायबिलिटी है, फाइनेंशियल लायबिलिटी है, पक्की बात है? कैसे पता? ऑब्लिगेशन टू पे, वेरी गुड। तो सर आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका उत्तर बिल्कुल सही है कि ये है ऑब्लिगेशन टू पे, इट विल बी सेटल्ड इन कैश। वेरी गुड यार, चलिए जी आगे देखते हैं प्लीज, बहुत फोकस के साथ। बैंक लोन लायबिलिटी है? पक्का? ऑब्लिगेशन टू पे है? फाइनेंशियल लायबिलिटी है? यस सर, बिल्कुल, इट विल बी सेटल्ड इन कैश। अभी देखते हैं दस्ती, अभी खाली तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। शेयर कैपिटल, अभी सवाल तो सुनो, सवाल आए ही नहीं, जवाब दे दो। एक्विटी इंस्ट्रूमेंट है? पक्का? यस, बिल्कुल सही, तूने काटी लगते हैं वहां बोला नहीं। इधर चलो जी सर, यस बिल्कुल, ये क्योंकि इश्यूएंस ऑफ शेयर्स है, वेरी गुड। अच्छा देखो, मैंने जो भी कॉन्सेप्ट देने ना उसकी टेस्टिंग साथ साथ करनी है, अभी मैंने कोई तुम्हें सवाल नहीं कराया, अभी हम खाली IFRS में घूम रहे हैं कि इटसेल्फ क्या है, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो मिक्स सवाल पूछेगा तुम गए, तो फोकस होकर देखना है इसको। इधर अच्छा भाई, मैंने ये कहा कि सर मेरे पास ये जो इन्वेंट्री है क्या ये फाइनेंशियल एसेट है? सोच के बताना, सोच के।
नहीं फिर सोच लो, नहीं है रीजन, बच्चे कह रहे हैं यस, मैंने जैसे ही फोकस किया सोच लो तो हाँ हो सकता है कि सही सोच रहे हो। अच्छा भाई हाँ या ना दोनों का रीजन भी पूछूंगा। आयशा जल्दी से बता दो बेटा कि जब आप कह रही हो यस ये फाइनेंशियल एसेट है, सज्जाद कह रहे हैं राइट टू रिसीव कैश है इन्वेंटरी, नहीं बताओ बैंक क्यों, सबको बता दो, चुप करा दो सबको, बोलो सीओजीएस डेबिट होता है। हाँ कह तो बिल्कुल सही रही मेरी बहन के यार, ये एसेट अल्टीमेटली एक्सपेंस में कन्वर्ट होगा। अच्छा बात सुने, देखो एक बात है, मैं अगर यहाँ पे कंक्लूड करूँ मेरी नजर में इन्वेंटरी फाइनेंशियल एसेट, इसके अगेंस्ट में जो रिसीवेबल आएगा वो फाइनेंशियल एसेट होगा। यानी हम ना थोड़ा सा ब्रॉडर सोचते हैं, FAR 1 के जुमरे से हम बाहर आ गए, अब दुनिया अलग है, अब जरा यूं सोचते हैं, एक माइंड मैपिंग करते हैं पूरे फाइनेंशियल्स की, क्या मैं कह सकता हूँ ये इन्वेंट्री पहले COGS में कन्वर्ट होगी, फिर COGS से जो सेल्स आएगी उसका जो रिसीवेबल आएगा वो अल्टीमेटली ऐसा एसेट होगा जो अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट होगा, कैश में। तो क्या ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है, ये फाइनेंशियल एसेट। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हर वो चीज फाइनेंशियल एसेट होगी जो अल्टीमेटली कैश में कन्वर्ट होगी, बात क्लियर है, पक्की बात है भाई। ऑनलाइन वालों जल्दी बता दो, कोई शक इसमें हो सबको, यानी देखो फाइनेंशियल एसेट और उसमें गेम है, ये पहले बेसिक क्लियर करता हूँ। चलें जी, हमने कहा ये फाइनेंशियल एसेट नहीं है, रीजन नॉट अ राइट टू रिसीव कैश, वेरी गुड यार। आगे मैंने कहा था चलें जी एक और टेस्ट, कैश और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी है कैसे, पक्की बात है। चलें जी, अच्छा ये तो तुम लोगों को इसलिए भी याद होगा नशे, क्योंकि तुमने पहले देखा था वो एग्जांपल में इधर। अच्छा सवाल ये था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है डेट इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा डेट इंस्ट्रूमेंट इसलिए क्योंकि रिडीमेबल है, रिडीमेबल का मतलब ये है कि ये पैसे मुझे वापस करने हैं, ऑब्लिगेशन टू पे, बिल्कुल सही। अच्छा भाई अब पहले सवाल आएगा फिर हम देखेंगे, अच्छा मैं जब पूछूंगा तो बताओ क्या ये एक्विटी, जिससे पूछूंगा वो जाने तुम बताओगे, हाँ एक्विटी इंस्ट्रूमेंट है या डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक्विटी इंस्ट्रूमेंट, रीजन तो सबको इरिडीमेबल है, ये पैसे मुझे वापस नहीं करने, वेरी गुड यार ये हो गया जी ओके। अच्छा सर ये आप इतना काम क्यों कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, रीजन बताऊं, आपको अकाउंटिंग करनी हो डेट की आप करके बैठे हैं, एक्विटी की आपको करनी हो एक्विटी की आप करके बैठे हैं, एक फाइनेंशियल एसेट नहीं हो आप चिपका के निकल जाओ, सही है जी, तो ये नहीं करना आपने। इधर अब गेम, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, इसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे, आप बताएं हमारी बहन के ये जो टैक्स पेबल है क्या ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है, क्या टैक्स पेबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है ओके चलें जी। अच्छा रीजन बताएं, ऑब्लिगेशन टू पे, आप क्या कहती हैं ऑब्लिगेशन टू पे, यानी पैसे देने ऑब्लिगेशन टू पे, सचिन ऑब्लिगेशन टू पे यानी नहीं, एक्सपेंस तो हो गया ना, एक्सपेंस का लिस्ट भी लगने की आएगी जानी, मेरा सवाल क्या है स्पेसिफिक, क्या दिस अमाउंट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, यस आशिया फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं, क्यों क्यों नहीं है, अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी आप कह रहे हो नहीं है, हाँ कह रहे हैं तो मैं चुप हूं, मैं बोल रहा हूँ नहीं है तो क्यों नहीं है, हाँ ये ऑब्लिगेशन टू पे नहीं है, टैक्स पेबल है ना, तो आपका सवाल का जवाब मतलब चेंज होता है, आप कह रही हैं कि ये ऑब्लिगेशन टू पे है। चलें जी मैं कह रहा हूं कि ये फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, रीजन बताता हूं सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट, क्या था, क्या ये कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है या लीगल ऑब्लिगेशन है, तो सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये जुमरे से बाहर हो गई, आप यहाँ नंबर लूज कर जाते अगर आपका जवाब क्या होता, गलत होता, समझाने की बात क्या है, स्टिल मैं कहता हूं कसम से ये ऑब्लिगेशन टू पे है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये IFRS 9 का पार्ट नहीं, तो क्या ऑब्लिगेशन नहीं है, है, तो मैं इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी के जुमरे में नहीं लाऊंगा, क्योंकि ये कौन सी ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन है। एक मिनट रुकिएगा जी,
अब देख लेते हैं सर इसका रीजन क्या था. देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ये कौन सी ऑब्लिगेशन है? स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है. बात क्लियर है? ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, एक ही पीडीएफ कोई दे दूंगा. चलें जी, अब एक और चीज. अब अगर ये बता दिया, अब तुम बता सकते हो, अगर सोचो तमीज से. एडवांस टैक्स, पहले इसका मतलब समझा. तो एडवांस टैक्स क्या है? एडवांस टैक्स का मतलब ये है कि मैंने ज्यादा टैक्स दे दिया है किसको? गवर्नमेंट को. और मुझे गवर्नमेंट से अब रिसीवेबल है. पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये राइट टू रिसीव कैश है? राइट टू रिसीव कैश, डेफिनेटली यस, राइट टू रिसीव कैश है. पर मैं कह रहा हूँ, क्या ये IFRS 9 में आएगा? रीजन, लीगल ऑब्लिगेशन, कम ऑन, लीगल राइट. सर वो लीगल के बाद अल्फाज नहीं आ रहा था, वो ऑब्लिगेशन तो आ रहा था. बोलूं क्या इसको मैं? लीगल राइट. क्या ये लीगल राइट है? ये ऑब्लिगेशन नहीं है. अच्छा, तो राइट टू रिसीव कैश तो सर फाइनेंशियल एसेट होता है ना, तो ये क्यों नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट होता तो ये उस जुमरे में आ जाता. बात क्लियर? चलें जी, तो सर हम यहाँ पे इसका रीजन देख लेते हैं जल्दी से कि भाई रीजन ये कि देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ तक क्लियर हो? पक्की बात है. चलिए जी सर, अब जब हमने ये सीख लिया, तो बंद हो जाओ. अच्छा भाई, जब हमने ये सीख लिया, फाइनली मैं आपको अकाउंटिंग को उतार रहा हूँ. पहले हम देखें अभी टाइम हमारे बहुत है, हम आराम से कर सकते हैं अकाउंटिंग. इधर अकाउंटिंग में मैं लेके आ गया हूँ. अब आपने जितनी भी चीजें हैं वो लिखनी भी होंगी, सारी चीजें हम प्रैक्टिस भी करेंगे. अब अकाउंटिंग शुरू करने से पहले आप जब पीपीई खरीदते हैं, अच्छा पहले मैं एक चीज क्लियर करूं अपनी तसल्ली के लिए, फाइनेंशियल एसेट समझ आता है? डिटेल में फाइनेंशियल लायबिलिटी समझ आती है? ये पता लग गया कौन सी चीज यहाँ आती है कौन सी चीज यहाँ? ये अगर नहीं आता होता तो अकाउंटिंग फजूल है. सही जी, ये क्लियर हो गया. अब मैं अकाउंटिंग करवा सकता हूँ. कितने लोगों की अकाउंटिंग है? इन्वेस्टर. कितनी सिक्योरिटीज? एक्विटी. हम पहले एक काम करते हैं, हम उठाते हैं इन्वेस्टर को, हेडिंग डालो इन्वेस्टर अकाउंटिंग. कॉन्ट्रेक्चुअल वे लीज रेंटल जो है वो तो ऐसी बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल है ना. लिख दिया जी इन्वेस्टर अकाउंटिंग. अच्छा, इन्वेस्टर अकाउंटिंग के नीचे लिखेंगे आप, हम सीखेंगे किसकी अकाउंटिंग? एक्विटी सिक्योरिटी सीख रहे हैं. यानी इन्वेस्टर में भी हमें दो सिक्योरिटी सीखनी है ना, एक्विटी और डेट. हम सीखेंगे अभी एक्विटी सिक्योरिटीज. और इसके आगे प्लीज ऐसे ही लिखना, व्हेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी. अच्छा, एक और चीज है डैशबोर्ड की जो बात कर रहा था मैं. जो भी क्विजेज होंगे ना मेरे, यानी होमवर्क भी मैं क्विज़ ही मानूंगा. जो होमवर्क दिया मैंने आपने वो करना है. वो होगा ये कि आपके जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड हैं उन सबके नाम के साथ वो टॉप नॉच डैशबोर्ड बनता रहेगा. यानी वो पूरे सेशन की मॉनिटरिंग होगी. यानी जितना जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो टॉप पे रहेगा. और हो सकता है कि उसको आखिर में 5,000 रिफंड मिल जाए जो टॉप पे रहेगा. तो ये वो मैं अपनी तरफ से दूंगा. बट ये कि आप ये अर्न कर सकते हैं अपनी मेहनत से. सिर्फ 5,000 बेटा, और कुछ चाहिए तो? यार मतलब मैं गरीब आदमी, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा ना, यही है ना, इसलिए. क्या कह रहे तेरे को बेटा? मैंने 800 रुपए दिए थे जो बोले थे, 600 तुझे बोले थे, 200 ऊपर दिए थे सचिन इधर. अच्छा जी, फोकस करें प्लीज. अच्छा भाई, ये मतलब मेरा अपना वो है कि एक फैसिलिटेशन है तुम लोगों के लिए कि भाई जो बंदा अच्छा परफॉर्म करेगा तो जाहिर सी बात है अगर तुमने फीस पे की है लेट से 14,000-18,000 व्हाटसोएवर, तो उसमें से 5,000 तुम्हें मैं दे दूंगा. जो कि चलो हाई परफॉर्मर, तीन हाई परफॉर्मर्स जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, सही है जी, उनको. यानी टोटल मेरा एक्सपेंस 15,000 हो गया, मैं अप्रूवल आज से बुक करना शुरू कर दूंगा. सही है इधर? ओके जी, काफी कम है. चलो जी, पोर्टल मैं अभी अफीफा बात कर लेते हैं इस पे. अच्छा भाई, मुजम्मिल इमरान कह रहे हैं, वो डिडंट यू सेड दैट You have invested 1,000,000 rupees just few minutes ago. बेटा वो तो assumption थी ना मेरी. Assumption में तो मैं मतलब तुम्हें चांद पे ले जाऊं.
हाँ मुजम्मिल, तो फिर मतलब अजम्पशन है, गरीब आदमी यही कर सकता है कि भाई हाँ इतने इन्वेस्ट किए मैंने। खैर इधर देखो, अच्छा भाई एक्विटी सिक्योरिटीज में व्हेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, अब हम वाकई अकाउंटिंग सीखने चाह रहे हैं, हमारे पास सारे जार्जन्स की नॉलेज है, हमें पता है किसकी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, किसकी सीख रहे हैं, इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर की भी कौन सी सिक्योरिटीज? एक्विटी सिक्योरिटीज। बहुत सुकून से समझिएगा, जब मैं पीपी परचेज करता हूँ, जैसे मैं पूछूंगा वो जवाब देगा, तो पीपी जब परचेज करता हूँ तो जानिए तुम बताओ कि हमारे पास कितने मॉडल थे पीपी में रखने के, तो कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। वेरी गुड यार, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितने मॉडल थे? कॉस्ट मॉडल। अच्छा क्या ये मॉडल को मैं कह सकता हूँ अकाउंटिंग पॉलिसी? कह सकता हूँ, बिल्कुल सुकून से समझते हैं। फिर मैं यहाँ पे स्क्रीन को खोलूंगा, फिर हम कॉपी करेंगे, हम ऐसे समझते समझते कॉपी करेंगे ताकि हमारी नॉलेज भी डेवलप हो, नोटिंग भी होती रहे। सुने, अच्छा मैंने कहा कि यार अगर मैंने एफएआर 1 लेवल पे कोई भी एसेट खरीदा था तो उसको सोचा था कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी पे रखूं, या तो कॉस्ट मॉडल पे या फेयर वैल्यू मॉडल पे। यहाँ पे भी सीन कुछ ऐसा है, बट यहाँ पे वो कहता ये कि जब भी तुम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करोगे, अब मेरी एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये मिस हुआ ना अकाउंटिंग नहीं होगी आगे, तो सुकून से समझना। वो कहता है जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करेंगे ना, आप उसको रखेंगे हमेशा किस पे? फेयर वैल्यू पे। तो सर ये अभी आपने कॉस्ट क्यों बोला था? सर सबर रखें, मैं बता रहा हूँ एक चीज, आप हमेशा किस पे रखेंगे? फिर वो आपको कहता है कि आप फेयर वैल्यू में फर्दर दो मॉडल्स आपको अलाउड है, या तो आप रखें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, या तो आप रखें फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। ये क्यों है अभी मैं बताता हूँ, रखना हमेशा किस पे? या तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। मैं क्यों का, हर क्यों का जवाब दूंगा, आपने से सुनना है मेरे को, फिर कॉपी करना है, आपका कोई ये फिन बट आनी नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। सुनो इधर, मैंने कहा यार फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का पहले मतलब बताया सर, ये हमारे दिमाग में नहीं बैटरी बात। भाई मैंने कहा कि अगर मैंने शेयर खरीदा 20 रुपए का, वो हो गया 25 का, तो 5 रुपए का गेन आया, 5 रुपए का जो 5 रुपए का गेन आया ना, जैसे रीवैल्यूएशन सरप्लस होता था, क्या वो पीएनएल में जाता था या इक्विटी में? सोचो, पीएनएल में, इक्विटी में। इक्विटी में। भाई आप सब मुझे बता दीजिए सोच के एक बार कि इक्विटी में जाता था, यानी ओसीआई जो होता है वो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, वो पीएनएल का पार्ट, वो डायरेक्टली कहां जाती है? इक्विटी में जाती है। यानी सर आप सिंपल ये बताएं कि जब भी मैं शेयर्स खरीदूंगा, यानी किसी कंपनी के ऑडिट में भी जाऊंगा, उसने कोई शेयर्स खरीदे हैं, तो वो शेयर्स को हमेशा किस पे रखेगा? फेयर वैल्यू पे रखेगा। अच्छा फेयर वैल्यू पे रखना मना नहीं है, इवन रखना ही फेयर वैल्यू पे, तो उसको कितने ऑप्शन दिए हैं? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, मैं मतलब समझा रहा हूँ फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब ये है कि जब मैंने खरीदा था तो फेयर वैल्यू कितनी थी? 20। जब मैंने खरीदा था तो फेयर वैल्यू कितनी थी? 20 की। वो कितने की गई? तो ये 5 रुपए का गेन मैं कहाँ बुक करूंगा? पीएनएल में, क्योंकि मेरी पॉलिसी ओसीआई की। अब मैं इसको अल्फाज समझा रहा हूँ क्यों बनाया इसने। इसने बोला मैं रखूंगा किस पे? चेंजेस कहाँ से लेके जाऊंगा? तभी क्या लिखा हुआ है? थ्रू ओसीआई। क्या लिखा हुआ है? थ्रू। यानी बोल ये रहा है कि खरीदो तब भी फेयर वैल्यू पे, बाद में भी किस पे? चेंजेस कहाँ से लेके जाओगे? इसलिए इस मॉडल का नाम क्या रखा गया? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। यहां तक क्लियर हो? पक्की बात है? अभी भी अकाउंटिंग नहीं सीखी, अभी मॉडल पे उतरे कि हाँ भाई किस पे अकाउंटिंग कैसे करनी है। सुनो, फिर मैं दूसरी साइड पे आ गया, मैंने कहा ये भी आपको अलाउड है कि आपने खरीदा किस पे? फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू कितनी मैंने जो बोली थी? 20। हो कितने का क्या? 5 का। कहाँ? क्यों? आप बोल रही है आपके पास पॉलिसी है, अगर आपकी पॉलिसी ये है कि आप रखेंगे किस पे और चेंजेस कहाँ से? पीएनएल से। तो इस मॉडल का नाम क्या रख दिया? फेयर वैल्यू थ्रू। मैंने अभी आपको सिर्फ इन दोनों मॉडल्स के नाम समझाए, ऐसा नहीं अजीब से शक्लें बना के रखते हो। फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पीएनएल, क्या बात समझ आई? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई का मतलब क्या जल्दी बताओ? पॉलिसी तो है। आपका जवाब मेरे को ये होगा आज के बाद, सर रखूंगा फेयर वैल्यू पे, चेंजेस ओसीआई से। अच्छा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल का क्या मतलब है? रखूंगा फेयर वैल्यू पे, चेंजेस पीएनएल से। अकाउंटिंग, अभी अकाउंटिंग की चीजें सीखेंगे क्यों? किसी के दिमाग में ये आ रहा है दो मॉडल क्यों बनाए गए? बिल्कुल आ रहा है, सच बोलो ना, झूठ क्या, मुझसे क्या छुपाना, बोलो आता है? हाँ आता है, आता है जिससे दिमाग में आता है कि भाई क्यों मॉडल बनाएंगे, सोचें।
पहले अभी इसकी एग्जाम्पल देता हूँ, फिर हम आगे लेके चलते हैं। सुनिएगा, दो मॉडल क्यों बनाएगा ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनिएगा फोकस के साथ। होने ये लगा कि भाई पाबंदी लगा दी, एक बार यहाँ आ गए तो वहां नहीं जा सकते, वहां आ गए तो यहाँ नहीं जा सकते। क्यों किया गया समझिएगा। लोगों ने की होशियारी, पहले जब ये IFRS 9 नहीं था, लोग क्या करते थे, फायदा हुआ ना, यानी शेयर अगर 20 से 25, ये पूरी कहानी सुनना, इसमें से किसी भी कंफ्यूजन हो मुझे रोक देना, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। सही है जी, सुनिएगा। होने ये लगा कि शेयर खरीदा मैंने, मुझे फायदा हो गया। अच्छा फायदा हो गया तो मैं कौन सी पॉलिसी पे जाऊं, कितने लोग कहते हैं फायदा हो तो पीएनएल पे जाना चाहिए, इससे क्या होगा और ईपीएस, लोग बोलेंगे एक शेयर पे ज्यादा कमा रहे हैं, लोग बोलेंगे एक शेयर पे। अच्छा लोगों ने होशियारी की, लोगों ने बोला दादा लॉस हुआ ना, पता चल गया IFRS 9 आया बेटा, इंसान के बच्चे बन के एक जगह रुक जाओ, फायदा होता है तो वहां भागते हो, नुकसान होता है तो, अगर नुकसान हुआ तो पीएनएल हिट नहीं होगा ना, क्यों, क्योंकि मैं कहाँ आ गया, OCI में। वेरी गुड, तभी कितने मॉडल बना दिए, बोला भाई अब इंसान के बच्चे बन के एक ही जगह रहना, वो कंडीशन है कुछ, वो अभी डिस्कस करता हूँ मैं। सही है जी, पर क्या पहले बताओ दो मॉडल्स का मकसद समझ आया। सही है जी। अच्छा फेयर वैल्यू टू OCI का मतलब क्या, जल्दी बताओ, रखूंगा फेयर वैल्यू पे चेंजेस। अच्छा फेयर वैल्यू टू पीएनएल का रखेंगे, फेयर वैल्यू पे चेंजेस पीएनएल से यहाँ पे। अच्छा OCI स्टैंड्स फॉर बेटा अदर कॉम्प्रिहेंसिव, अच्छा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी इलैबोरेट कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपने नहीं सीखा होगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब है अपार्ट फ्रॉम माय बिजनेस इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यानी जो मेरे पीएनएल को हिट नहीं करेगी, स्टिल दिस इज माय इनकम बट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी मैं उसको पीएनएल से हट के दिखाऊंगा पर डायरेक्टली इक्विटी में दिखाऊंगा। सही है, आगे सुनिएगा, इसको यूं समझें आप अपनी आसानी के लिए, रीवैल्यूएशन सरप्लस की तरह। सही है, आगे सुनिएगा। अच्छा अभी आयशा मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई, मेरा बच्चा सुनो बिल्कुल सुकून से, मैंने अकाउंटिंग नहीं सिखाई अभी बिल्कुल, मैं अभी बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग करने जा रहे हैं तो मॉडल कौन कौन से, अभी अकाउंटिंग सिखाऊंगा 10 मिनट के बाद। सही है, सुनिएगा इधर। अच्छा भाई तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैंने 1000 शेयर खरीदे कितने के, 20 के, इसकी एंट्री क्या बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्या गलत बनाई, कैश आ गया मेरे पास, ये इन्वेस्टमेंट आ गया, ये इन्वेस्टमेंट मेरा कौन सा एसेट है, फाइनेंशियल एसेट, ये बोला ना कौन सा एसेट है, और फाइनेंशियल एसेट की कौन सी क्लासिफिकेशन है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। कोई बात नहीं, सीख रहे हैं वापस से। मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के कौन सा एसेट है, फाइनेंशियल एसेट की कौन सी क्लासिफिकेशन है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, हम उसी की तो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, पर क्रिस्टल क्लियर है कि अभी कल क्या रहे हैं। आगे मैंने कहा कि भाई शेयर हो गया 28 पे, शेयर किस पे चला गया, 28 पे। अच्छा भाई हमने कहा कि भाई इन्वेस्टमेंट डेबिट कर ली पीएनएल, सर 28 पे गया 8000 से क्यों, 20 का शेयर था 28 का हो गया, तो एक शेयर पे गेन कितना आया, मेरे पास शेयर्स कितने हैं, मैंने 8 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने कहा मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट मैंने कर ली डेबिट और पीएनएल क्रेडिट। यहां तक क्लियर हो। अच्छा जी मैंने कहा व्हाट इफ अगर ऐसा हो जाता, फेयर वैल्यू कितनी हो गई 17, कितने का लॉस हुआ, कितने शेयर्स पे 1000, तो मैं इन्वेस्टमेंट को कम करूं या इंक्रीज, तो इन्वेस्टमेंट कर दूं क्रेडिट, और सर OCI क्या कर दिया, डेबिट, लॉस है ना OCI, लॉस है ना। अब मेरी बात समझें, लोग ये किया करते थे, फायदा हुआ तो यहाँ पे, नुकसान हुआ तो वहां चले गए। अब बड़ा एक क्रिटिकल वे में समझा रहा हूँ, सुनना। अभी अकाउंटिंग में सिर्फ हमने बेसिक एंट्रीज देखी है, यहाँ पे शुरू नहीं किया अकाउंटिंग। आपको स्टैंडर्ड ने ये कहा कि अगर आपका मकसद ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है IFRS की जबान में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, कौन सी इन्वेस्टमेंट, अच्छा आप समझिएगा मैं लिंक कर रहा हूँ, उसमें किसी भी कंफ्यूजन आप क्या पूछना भी रिक्वेस्ट है आपको। IFRS ये कहता है कि अगर आपने, जैसे जब इन्वेस्टमेंट होती है ना, जिसने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है उसको ये पता होगा कि इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती, डायरेक्टर्स की अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकती। तो डायरेक्टर्स उस अप्रूवल में ये लिखते हैं कि हमारी इंटेंशन इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है अगले 2-3 साल, तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है,
स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट बोले तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको IFRS ये कहता है कि भाई जब किसी कंपनी ने ये डिसाइड कर लिया कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, तो आपके लिए जो मॉडल सजेस्टेड है वो है फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा क्यों सजेस्टेड है ये भी देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि भाई आप इसको लंबे अरसे के लिए रखेंगे, तो कहा गया कि जो कंपनी ये नियत रखती है कि शेयर्स को लंबे अरसे के लिए अपने पास रखा जाए तो वो बिला वजह अपने PNL में मैन्युपुलेशन नहीं चाहेगी। तो उसको सजेस्ट किया गया कि भाई आपके लिए कौन सा मॉडल है, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, क्योंकि आप गेन जमा करते रहे जमा करते रहे जमा करते रहे, इवन लॉस भी हो तब भी आपका PNL हिट। या लॉजिकल सी बात है, बात समझो मेरी भाई, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरी इन्वेस्टमेंट की होल्ड करने की इंटेंशन लॉन्ग टर्म है, मैं क्यों चाहूंगा कि मेरे बिजनेस की इनकम उससे इफेक्ट हो। यानी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके आपका मकसद है आप इन्वेस्टमेंट को 3 साल रखोगे। अब उसमें होता है ना कि वॉलेटिलिटी आती है कि भाई वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, तो आपकी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो सिर्फ उस वजह से क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो इसलिए कहा गया कि भाई आप इंसान का बच्चा बनके कौन सी चुनौती की मदद लेना, अगर 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 नियत क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोले तो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा तो उस केस में, मेरी बात सुकून से समझिएगा, उस केस में गेन होगा तो कहाँ जाएगा, लॉस होगा तो? इसमें कोई हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट वाला चक्कर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट, ये कौन सा एसेट है, फाइनेंशियल एसेट। कौन सा एसेट है, वापस से भाई, अगर मैंने कहा मैंने 10,000 शेयर खरीदे किसी कंपनी के और उस कंपनी के 10,000 शेयर्स खरीद के मैं सोच रहा हूं उसको 3 साल रखूंगा, कौन से मॉडल पे जाऊंगा, गेन होगा तो, लॉस होगा तो? बात क्लियर है, पक्की बात है। जब स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट होगी, ऑनलाइन वालों से पूछ लेते हैं, बच्चों जल्दी बताओ क्लियर है, जल्दी से, अभी हम सीख रहे हैं कब किस मॉडल पे जाएंगे। वेरी गुड यार। अच्छा तो सर सवाल में देखिएगा, करेगा क्या, हाईली एक्सपेक्टेड इस बार इक्विटी सिक्योरिटी जाएगा क्योंकि वो पिछली 4 अटेम्प्ट से सिर्फ डेट सिक्योरिटीज पूछ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों को मिला के पूछे। आगे सुने, वो एग्जामिनर करेगा क्या, वो बताएगा नहीं आपको कि मैंने फेयर वैल्यू थ्रू OCI पर रखा हुआ। वो बोलेगा कंपनीज इंटेंशन इज टू होल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 2.5 इयर्स। तो क्या बताना चाह रहे तुम्हें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो क्या तुम एग्जामिनर को पूछोगे कौन सी अकाउंटिंग करोगे या OCI की करके आओगे, ये बताना लाजमी है, ये बेसिस है उसकी, क्लियर है। अच्छा जी आगे, पहली चीज क्लियर हो गई। फिर वो कहता है भाई वो वाला मॉडल किसके लिए, समझिएगा वो वाला मॉडल उन कंपनीज के लिए जो बोलती हैं मैंने खरीदी ही ट्रेडिंग के लिए खरीदी, इसको हम IFRS की जबान में कहते हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अच्छा फिर उस कंपनी को कहा गया कि भाई जब तुम्हारा मकसद ही उस इन्वेस्टमेंट में ट्रेड करना है, तो यानी तुम चाह ही रहे हो कि तुम्हारे PNL में उसकी इनकम दिखे, नहीं ये बात समझ भाई, आप चाह ही रहे हैं कि आपकी PNL में उसकी इनकम दिखे, तो आपके लिए तो मॉडल ही ये बनाया गया, कौन सा, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। यानी देखें दो कैटेगरीज बना दी इन्वेस्टर्स की। उसने बोला कि भाई इन्वेस्टर अगर इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो इन्वेस्टर से पहले ये पूछो कि भाई उसकी नियत क्या है, उसकी नियत लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो टेक्निकली वो चाह रहे हैं कि उसका PNL हिट ना, उसको कहां फेंक दो। अच्छा अगर एक बंदा खरीदी इस नियत से रहा है कि खरीदेगा बेचेगा तो PNL, तो क्या ये मॉडल समझ आ गया। यानी सर अगर आप ये पहले दिन पे हमें नहीं बताएं तो आगे अकाउंटिंग का कोई मकसद नहीं बनता। तो सर यहाँ पे आपके सामने ये आ रहा है कि इसकी कंडीशन क्या है, इसकी चीज को कॉपी करना, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है अकाउंटिंग का। अच्छा एक बार OCI में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इसलिए रखने का कहा गया क्योंकि लॉन्ग टर्म का इटसेल्फ मतलब ये है ना कि वो लंबे अरसे के लिए उसको रखना चाह रहा है, तो उसके PNL पे उसकी कोई हिट नहीं आनी चाहिए, वरना रिजल्ट्स आपके खराब होते हैं, EPS खराब होती है। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए उसको कहा गया कि भाई आप वो चोरी पर निकल जाए। पर अगर फिर भी इन्वेस्टर ये चाहता है कि भाई नहीं मस्ती है कि मुझे PNL, तो वो फिर इलेक्शन होगी Day 1 पे। यानी Day 1 पे अगर इन्वेस्टर चाहता नहीं मैं फिर भी वहां आना चाहता हूं, तो फिर वो बिस्मिल्लाह वहां चला जाए, फिर गेन भी कहां जाएंगे PNL में, लॉस भी कहां जाएंगे PNL में। इसको हम कहते हैं इररिवोकेबल ऑप्शन। इररिवोकेबल ऑप्शन का मतलब ये है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया अब आप मूव नहीं हो सकते।
बिल्कुल चलेगी मुस्तफा। वाईफाई छू गया था सर, ओसीआई में लॉस और पीएनएल में गेन क्यों दिखाते थे? यानी वो फायदा होता था तो पीएनएल में लेके जाते थे, लॉस होता था तो ओसीआई में लेके जाया करते थे। अब उन्होंने कहा कि भाई अब आपका एक ही किबला है, अगर आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ गए तो वहीं अकाउंटिंग करोगे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आ गए तो वहीं अकाउंटिंग करोगे। फिर उन्होंने कंडीशन लगा दी कि अगर आपकी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है तो आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में आ जाना, अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ जाना। क्लियर? अच्छे से कॉपी कर ले जानी इसको प्लीज। इसमें नीचे लिखिएगा आपने कहा कि दिस इज इररिवोकेबल ऑप्शन वंस यू आर क्लासिफाइड। अगर आपने उर्दू में लिखना है इसको, इंग्लिश में नहीं लिखना भले, ये लिख रहा था भाई, दिस इज इररिवोकेबल ऑप्शन, ये लिख लो अपने पास, दिस इज इररिवोकेबल ऑप्शन वंस यू आर क्लासिफाइड Once you are classified in one type, once you are classified in one type, reclassification to other model, reclassification to other model is not allowed. Reclassification to other model is not allowed. यानी आप एक बार किसी मॉडल में आ गए तो आप दूसरे मॉडल में मूव। अच्छा कोई तुमसे पूछे या लॉजिकल बात बताओ, कोई तुमसे पूछे क्यों पाबंदी लगाई गई? मैन्युपुलेशन, यानी क्या, ताकि आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मैन्युपुलेट ना कर सकें। ये बात क्लियर है? अली कह रहे हैं सर इसको अकाउंटिंग पॉलिसी कह सकते हैं, कसम से ही अकाउंटिंग पॉलिसी है मेरी जान, शुरू में आके बताया, शुरू यहां से किया था मैंने। अच्छा सर, भाविका कह रही है कि सर रीवैल्यूएशन में तो गेन ओसीआई में लॉस पीएनएल में था। देखो यहां पे डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है बेटा, यहाँ पे वो कहता है कि अगर लॉस है तो भी ओसीआई में, गेन है तो भी ओसीआई में, सही है? अभी भावी का अकाउंटिंग करते हैं ना इसकी, ये दो कंडीशंस नहीं है, ये एक एक कंडीशन है, सही है? नहीं, नेक्स्ट क्लास जानी कल है। क्या कह रहा है? सर अगर डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो सबका, अच्छा देखो एक चीज, एक अच्छा सवाल आया आयशा का, सुनो इधर, एक सवाल ये आया कि सर अगर मैं डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करूं तो, यार ये बिल्कुल आप कर सकते हैं डिफरेंट कंपनी में, तो आपको हर एक के लिए क्या करना पड़ेगा, इरिवोकेबल ऑप्शन लेना पड़ेगा कि मेरी इंटेंशन ये है। अच्छा मैं तुम्हें ऑडिट के बिल्कुल 100% कराऊंगा जानी, सुनो इधर फोकस के साथ, मैं कराता ही 100% हूं भाई, इधर सुनो फोकस के साथ, एक बहुत अहम चीज समझने की, मैं तुम्हें बताता हूँ ऑडिट के सर्कमस्टेंसेस में मैंने क्या चीज आइडेंटिफाई की थी। एक कंपनी ने किया ही है कि ना, उसने एक शेयर रखे हुए थे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे, यानी एक सेक्टर के शेयर्स, यानी मैं कह दूं कि भाई उसने लेट्स से सीमेंट इंडस्ट्री के शेयर्स खरीदे हुए थे। अब उसने क्या किया हुआ था कि उस शेयर्स को फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में क्लासिफाई किया हुआ था, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब उसने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में उसको बच्चों क्लासिफाई किया हुआ था, वहां पे मैंने देखा कि ट्रेडिंग हो रही है। देखो बेचना मना नहीं है, वो क्या करता था फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, उसी सेगमेंट के खरीद रहा था, बेच रहा था, खरीद रहा था, बेच रहा था, तो ये मेरे ख्याल से अकाउंटिंग पॉलिसी की नॉन कंप्लायंस थी। भाई जब आप कह रहे हो कि आप फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। मैं जब भी ऑडिट पे जाता हूँ, मैं अपने टीममेट्स को ये कहता हूँ, अपने जूनियर्स को, कि भाई जाके देख कि इसके जो सिक्योरिटीज हैं क्या इसमें मूवमेंट्स तो नहीं है, अगर मूवमेंट ज्यादा है तो टेक्निकली वो ट्रेडिंग कर रहा है, वो सिर्फ गेम ये कर रहा है कि अपने पीएनएल को बचाने के लिए कहां से घुमा रहा है, उसको पैसे तो पूरे मिल रहे हैं ना, वो अपने पीएनएल के लॉस या गेन को, व्हाटसोएवर लॉस को बचाने के लिए कहां से ट्रेडिंग कर रहा है ओसीआई से। तो वहां पे हम उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं इंसान का बच्चा बन, ये सारी सिक्योरिटीज कहां क्लासिफाई कर वहां पे, क्योंकि अगर आपकी इंटेंशन है हेल्प फॉर ट्रेडिंग तो उसको कहां होना चाहिए। ये इसलिए बनाया गया है ताकि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की जो मैनिपुलेशन है वो ना हो। बात क्लियर है? ये तभी दो मॉडल बना दिए गए, होप ये आपको चीज क्लियर है। अच्छा आखिर बात, दो मॉडल्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई, क्यों अलग है? इंटेंशन के ऊपर है। और अगर मैं चाहूं वहां से यहां आ जाऊं, यहां से अच्छा एक जगह पे हूं पर हरकत है वो वाली कर रहा हूं, वो भी अलाउड
नहीं है, सही है जी। तो वो देखते हैं आगे चल के, चलिए जी आगे। अच्छा बेसिकली ये सारी चीजें जो मैंने आपको नॉलेज दी है, आगे जाके आपको बता, अभी अभी सिर्फ आपको इतना है, आपके जो अकाउंटिंग का सिलेबस है IFRS 9 का, वहां पे रिकॉग्निशन और टू सम हद तक डिस्पोजल है। वो चीजें नहीं है कि रीक्लासिफिकेशन है या नहीं, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आपको क्लियरिटी हो कि भाई क्यों एक जगह पे, तो उसकी सारी बेसिस मैंने बता दी है जी जानी, सही है। वही बता रहा हूँ, जो चेंजेस वाली और जो पेनलाइजेशन की चीजें हैं कि भाई फिर क्या होगा, तो वो चीजें आपके कोर्स का पार्ट नहीं है जी जानी। अभी सिखा रहा हूँ। अच्छा देखो एक सवाल, अच्छा सुनिएगा बच्चों सुनो, एक सवाल आया कि सर इनिशियली मेरी इंटेंशन थी लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा, बट ड्यू टू कि मुझे पैसे की नीड थी, मैंने इन्वेस्टमेंट को क्या किया, बेच दिया, डिस्पोजल सिखाऊंगा, पर उस केस में उस गेन या लॉस का क्या होगा वो भी सिखाता हूँ, सही है, ये भी बता रहा हूँ। अच्छा अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं इस तरीके से, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैंने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट खरीदी हुई है तो क्या मैं उसको बेच नहीं सकता, पर उसके गेन का क्या करना, ये एक सवाल या निशान है, अभी सीखते हैं, सही है जी। आ जाए, पहले हम सीखेंगे एक्विजिशन, फिर हम सीखेंगे, फिर हम ये सीखेंगे बीच में खरीदे बेचे तो क्या होगा, फिर हम ये सीखेंगे बोनस मिले तो क्या होगा, राइट इशू हो तो क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने सिखानी है। आए जी पहली इलस्ट्रेशन, अच्छा सर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो करंट एसेट्स है, लेकिन हम IFRS 9 में नॉन करंट एसेट, इटसेल्फ उसकी नेचर है ना शिराज, सही है जी। इधर देखिएगा फोकस के साथ, एक चीज समझा रहा हूँ, अभी पहली इलस्ट्रेशन है, ये तो आपने कॉपी करनी होगी क्योंकि अभी हम बुक के सवालों पे नहीं है, अभी तो हमने खाली वो समझा है, सुनिएगा। पहली इलस्ट्रेशन जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो इस पे बेस करती है कि इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। पहले इस चीज को समझो कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय ट्रांजैक्शन कॉस्ट। मैं अगर शेयर खरीदने जाता हूँ ना, तो मैं लेट से कि किसी ब्रोकर के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई यार ब्रोकरेज हाउस मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो वो बोलेगा ये ले और मैं लेके निकल जाऊंगा शेयर्स, वो अपना कमीशन चार्ज करेगा, उस कमीशन को मैं क्या कहता हूँ, उस कमीशन को मैं क्या कहता हूँ, यानी सर आप ये बात मानते हैं, बहुत सुकून से समझिएगा ये बात, आप समझें कि मुझे किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए उस कंपनी की फेयर वैल्यू पे नहीं करनी, साथ साथ एक और चीज पे करनी है, पर जो अभी मैं इलस्ट्रेशन करवा रहा हूं उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैंने हटा दिया सिंपलिसिटी के लिए, सही है जी। आगे देखते हैं, तभी ऊपर लिखा हुआ, अच्छा मैंने कंपनी ने शेयर परचेस किए कितने, 10,000, कौन सी तारीख पे, 1 जनवरी पे, फेयर वैल्यू उस दिन पे कितनी है, 25 पर शेयर, प्लीज सुनिएगा, 25 पर शेयर है 1 जनवरी पे। अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ, फेयर वैल्यू थ्रू OCI में अगर आऊं या फेयर वैल्यू थ्रू PNL पे आऊं, क्या पहले दिन की अभी फिलहाल कोई एंट्री में फर्क होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, प्लीज आप मुझे बताएंगे पहले दिन कौन सी अमाउंट से एंट्री बनेगी, बनाए बनाए जल्दी बनाए, 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, 2,50,000 आ गया, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गई, कैश क्रेडिट हो गया, जल्दी से बनाया भाई पहली, बिल्कुल बेसिक इलस्ट्रेशन। सही जी भाई, पहली एंट्री बन गई। अब आगे देखिएगा, मैंने कहा बीच में कोई बच्चों ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा देखो आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैं बीच में शेयर्स खरीदूं, बीच में बेच दूं तो क्या होगा, हमें बिल्कुल आराम से तामुल से इसको समझ समझ के चलना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो, हमसे सब एक साथ चलेंगे। मुझे एक बात बताओ बच्चों के, हुआ ये कि फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2018 पे, अब दो केसेस हैं, ये अलग अलग केसेस हैं, या तो ये हुआ होगा या तो हुआ होगा, मैं पहले केस ए की बात कर रहा हूँ, केस ए में बच्चों गेन हुआ है लॉस हुआ है, कितने रुपए का, 10 रुपए का एक शेयर पे गेन है, कितना हो गया, 1,00,000 रुपए का गेन हो गया, तो उसकी एंट्री में क्या बनाऊंगा इस मॉडल में, इन्वेस्टमेंट डेबिट OCI क्रेडिट बनाया जी, 1,00,000 रुपए। और एक चीज भी आपको साथ साथ सिखाता हूँ, क्योंकि रिपोर्टिंग है तो मैं यहाँ पे मिटा दूंगा, आप अपने पास रहने दीजिएगा।
अच्छा भाई इन्वेस्टमेंट केस ए में जल्दी बताओ बच्चों कितने की आ रही होगी, तीन पचास की। ये हमने कहा ये केस ए है। अच्छा मैं एक्विटी साइड पे आऊंगा, बहुत सुकून से देखना बच्चों ये वाली बात, मैं एक्विटी साइड पे आऊंगा और एक्विटी के अंदर ओसीआई कितने का आ रहा होगा। ये है इसकी प्रेजेंटेशन, क्योंकि अब आगे जाके जब भी आपने पास पेपर का सवाल करना है वो रिपोर्टिंग मांगेगा आपसे। क्या ये बैलेंस शीट मुझे ये बता रही है कि इस कंपनी के पास कितने रुपए की मालियत की इन्वेस्टमेंट है, तीन पचास की। किस पे कैरी हो रही है, फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही है। किस पे कैरी हो रही है, इसके चेंजेस कहां से जा रहे हैं, कैसे पता लग रहा है। बैलेंस शीट में रिजर्व देख रहा है उसका कितने का, एक लाख रुपए का। पहले बताओ ये प्रेजेंटेशन समझ आई। चलें जी, अब केस ए को अगर मैं साइड में करूं, अगर व्हाट इफ ये नहीं होता तो दूसरा केस होता। दूसरे केस में क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब दूसरे केस में लॉस आ रहा है तो वो कितने का आ रहा है। ओसीआई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कितने से, 50,000 से। अच्छा अगर मैं केस बी की बात करूं बच्चों तो वो कितने पे आ रही होगी, 2,00,000 रुपए पे। ऐसा ही है। अच्छा भाई 2,00,000 रुपए पे सर हमारी इन्वेस्टमेंट आ रही होगी ये वाली, और हमारे पास ओसीआई में गेन मौजूद होगा या लॉस, कितने का नेगेटिव आ रहा होगा। क्यों नेगेटिव सर, यानी अब ये बैलेंस शीट ये बता रही है कि मैंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की खरीदी थी और मेरे पास अब तक के लॉसेस कितने हैं। ये तब तक यहां पे रहेगा जब तक ये सिक्योरिटी बिक, क्या मैंने डिस्पोजल सिखाया या सिर्फ एक्विजिशन सीखी है। सर आप सीधा कहें, आपने अब तक हमें सिर्फ एक्विजिशन सिखाई है और उसका रिलेटेड फेयर वैल्यू गेन या लॉस सिखाया है। ये है उसकी प्रेजेंटेशन, इसमें कोई मसला या आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि भाई किस तरीके से हमने लेके चलना है उसको। हाँ जी ऑनलाइन जल्दी से बता दें, यहां तक कोई इशू, ये आपने बना लिया बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा एक बच्चा ये तो नहीं सोचा तुम में से कि बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हो रही, बाकी भी आइटम्स होंगे ये उसमें से हमने सिर्फ एक आइटम। शराब की बोतलों की आवाज कहां से आ रही है, बाहर है। चलें जी इसको हमने मिटा दिया। अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ मैं ये हरकत यहां नहीं करता, मैं बोलता कि मैं होता फेयर वैल्यू थ्रू PNL में, बताओ जल्दी से वहां पहली एंट्री क्या बनती। आपने ऐसी लाइन डाल के आपने बनानी है ताकि आपकी कंपैरिजन बने। सेम बनेगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने इग्नोर की हुई है। अच्छा वो लिखना था मरियम, सिंपल आप उस पर वो कर सकती है ना इन्वेस्टमेंट डेबिट, अभी वापस से कर लेंगे कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई अब इस केस में अगर गेन होगा जानी, इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगी और फेयर वैल्यू गेन, ये कहां चला गया। अब पीएनएल क्यों सर, मॉडल चेंज है, अब आपने कहा है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अच्छा जी अब सर दूसरा केस होता तो दूसरे केस में क्या करते, फेयर वैल्यू लॉस हो जाता डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। देखिए दोनों मॉडल्स में फर्क है ओसीआई और पीएनएल का, रखी हुई किस पे, फेयर वैल्यू पे। आप ये करें तो मैं आपको दोनों की बैलेंस शीट एक साथ भी बना के दिखाता हूं ताकि आपके एक पेज पे आ जाए वो। ये बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग है, बिल्कुल अभी शुरुआत है हमारी। हो गया जी पीएनएल, आज ही ऑनलाइन वाले हो गया। ओके जी अब इधर मैं इसको अभी साइड में रख के मैं खाली आपके लिए यहां पे एक बैलेंस शीट ड्रॉ करूं दोनों की। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ पहले वाले केस में इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 3,00,000 रुपए पे, 3,50। ओके जी 3,50 आ गया, और यहां पे ओसीआई कितना था, 1,00,000 रुपीज का सरप्लस था यहाँ पे, और यहाँ पे नेगेटिव 50,000। अच्छा अब ये अगर बात क्लियर करनी है तुमने, इधर देखो हाथ के हाथ मेरे साथ,
यहां पे आ गया इन्वेस्टमेंट, यहां पे भी कितने पे और यहां पे सही है, तो चेंज ही नहीं है भाई, रखी हुई तो किस पे, फेयर वैल्यू पे, चेंज का है जरा ये देखो, एक्विटी सर मैंने कहा अब मैं आ गया रिटेन अर्निंग से। बच्चों जल्दी से मुझे एक बात समझाओ, जल्दी से यहां फोकस तुम लोगों ने बताना है, पीएनएल से यानी प्रॉफिट जाके कहां गिरता है, तो क्या आप ये मानते हैं कि ये 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट यहां जाके गिरा होगा, नहीं ऐसा ही है, और यहां पे रिटेन अर्निंग में जाके क्या गिरा होगा सर, आपने ये किया है कि आपने रिटेन अर्निंग की सारी चीजों को हटा के सिर्फ अज्यूम किया है कि रिटेन अर्निंग में सिर्फ ये होता तो इस तरीके से दिखता, दोनों में फर्क क्या है सिर्फ, एक का गेन लॉस कहां गिर रहा है, एक का गेन लॉस पहले पीएनएल में और वहां से कहां जा रहा है, यार साथ साथ अब तुमने मुझे बताना, देखो ये क्रिटिकल चीजें हैं, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं अभी तुम्हें इसकी पूरी क्लैरिटी भी देता हूं ताकि तुम्हें समझ आए चीज मैं क्यों कर रहा हूं, सुनो इधर, मैंने कहा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में गेन कहां गिरता है, ओसीआई में, अच्छा फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में गेन कहां गिरता है, पहले पीएनएल में, वहां से कहां जाता है, अब मैं तुम्हें मकसद बता रहा हूं क्यों, जब बेटा मैं IAS 1 कराऊंगा ना, IAS 1 के तुम्हारे पास पेपर में नए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सवाल ही नहीं है, मैंने 20-25 सवाल बनाए जिसके अंदर आपने अकाउंटिंग करनी है IFRS 9 की, लीज की, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वहां जाके आगे रिवाइज होंगे, पर वो रिवाइज होके बैलेंस शीट में पीएनएल में कैसे आएंगे वो तो तुम्हें यही सिखा रहा हूँ ना, बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे साथ साथ प्रेजेंटेशन चल रही हो, ये जमा होते होते कहाँ पे जाके गिरेंगे सारे, IAS 1 में, तो मैं तुम्हें ये रेस्ट अश्योर्ड एक श्योरिटी देता हूँ कि वहां पे जाके तुम्हें ये सारी चीजें वहां पे जाके क्लब हो जाएंगी, पर क्लब होके प्रेजेंट कैसे करना है वो लॉजिक है, वो तुम्हें यहाँ से सीखनी है। अच्छा आप एग्जामिनर तुमसे IAS 1 का कॉम्प्रिहेंसिव सवाल पूछे तब भी तुम्हें आता होगा, अलग से पूछे कि कैसे प्रेजेंट होगा तब भी आता होगा, बात क्लियर है, तो क्या ये चीज क्लियर हो गई, दोनों में इन्वेस्टमेंट किस पे कैरी हो रही है, फेयर वैल्यू पे, एक के चेंजेस कहां से जा रहे हैं, एक के चेंजेस और फिर पीएनएल से रिटेन अर्निंग में, बात क्लियर हो गई। अच्छा जी सर अब बेसिक अकाउंटिंग सीखने के बाद क्या अब हम इसके अंदर ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इंक्लूड करें, ताकि मैं आपको होमवर्क भी दे पाऊं ताकि आप उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करें, सही है जी, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे, बल्कि आगे ले जाते हैं, खुद ही आइडिया आएगा। अच्छा जी अब देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, विथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, प्लीज सुनिएगा, बता देते हैं जी। अच्छा जुएब साजिद कह रहे हैं सर रिटेन्ड अर्निंग में तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऑलरेडी एडिट होगा, फिर दो बार लिखें क्या, नहीं 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 बेटा जुएब मैं कह रहा हूं अगर प्रॉफिट फॉर द ईयर समझो कुछ और नहीं है सिर्फ यही है, तो सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग में भी यही जाता, सही है, 10 मिनट पहले ऑफ कर दीजिएगा, नमाज का टाइम है। अच्छा एक काम करना, सुनो अभी मेरे ख्याल से नमाज का टाइम भी हो जाएगा, 1 बजने में तो मेरे ख्याल से 13 मिनट बाकी है, इसको फिलहाल मैं यही रखता हूँ, अगली क्लास से मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंक्लूड कर दूंगा, सही है जी, मिलते हैं जी अगली क्लास में, चलिए जी अल्लाह हाफिज़।